कितनी बार हम लोग पढ़ते हैं इस दुआ को, ऐ अल्लाह इसी रास्ते पर चलाते रहना, इस रास्ते की हिदायत दे। क्यों बार बार हिदायत नहीं मिलती क्या? जिंदगी भर हिदायत नहीं मिलती? अरे भाई मांग रहे हैं आप, कितनी मर्तबा मांगते? 17 मर्तबा मांगते हैं ये दुआ। 17 मर्तबा आपको नमाज में, पंच वक्ता नमाजों में 17 मर्तबा ये दुआ मांगनी पड़ती है, ये दुआ मांगनी है। चल रहे हैं तो फिर क्यों दुआ मांग रहे हैं? ये बड़ा उलझा हुआ सवाल है। आप रास्ते पर चल रहे हैं ना, रास्ते पर तो आ गए हैं, अब बार बार ये दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह सिराते मुस्तकीम की हिदायत दे, सिराते मुस्तकीम की हिदायत दे, सिराते मुस्तकीम। 17 मर्तबा क्यों मांगने की जरूरत पड़ी आपको? आप तो रास्ते पर चल रहे हैं ना। जवाब ये है जो कुरान ने दिया है, जो वो कहता है शैतान अल्लाह के सामने कि तूने इस आदम की वजह से मुझे गुमराह किया है, तो ला उदन्न लहुम सिरातक अलमुस्तकीम, तो मैं सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। अब सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा तो मेरा काम यह होगा कि जितने लोग चल रहे हैं कोशिश यह करूं कि उनकी टांग पकड़ करके दाएं या बाएं रास्ते पर डाल दूं, इधर डाल दूं इधर डाल दूं, जो जन्नत का रास्ता नहीं है। तो कहां बैठा हुआ है शैतान? सिराते मुस्तकीम पर बैठा हुआ है, यानी कभी भी वो उस रास्ते से आदमी को डाइवर्ट कर सकता है। इसी वजह से एक दुआ अल्लाह ने सिखाई है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना, ऐ अल्लाह हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को कज मत करना, टेढ़ा मत कर। अरे हिदायत मिल गई इसका मतलब यह हुआ कि दिल टेढ़ा भी हो सकता है हिदायत के बाद, हिदायत के बाद आदमी गुमराह भी हो सकता है। लिहाजा सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले को 17 मर्तबा तो दुआ मांगनी ही चाहिए कि अल्लाह इस रास्ते पर जिंदगी भर चलाए रखना, और वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अल्लाह की इबादत करते रहें इस रास्ते पर चलते रहें हत्ता कि मौत आ जाए। ये मतलब